छलके तेरी हाय, छलके तेरी आँखों शराब। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आया हूँ लोधी गार्डन, लोधी आया हूँ क्योंकि मैं आपको जगह दिखा सकूँ, यहाँ पे पूरा गार्डन दिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ गार्डन थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे फूल वूल और जो काम है यहाँ का बहुत अच्छा हो रखा है, और गार्डन से क्योंकि यहाँ काम वाम करते रहते हैं लोग, और इसको मतलब खूबसूरत बनाने के लिए तो एक नंबर है। आप देखो पीछे काम चल रहा है। और एक बात कहनी है, क्योंकि ये न्यू ईयर के दो दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि न्यू ईयर पर शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बोंटा पार्क गया था, बोंटा पार्क उस टाइम क्लोज पड़ा था, तो मैं सोचता हूँ 31 को मेरा लास्ट व्लॉग होना चाहिए था पर हो नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो हैप्पी न्यू उन्हीं सभी को जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका ये साल अच्छा जाए, अच्छा गुजरे, क्योंकि 2020 तो बहुत आपको पता ही कितना बेकार गया था। तो तब तक आप इन्जॉय करें इस पार्क को, मैं आपको पूरा पार्क दिखाता हूँ, स्किप मत करना, पूरा देखना पार्क, चलो चलते हैं। तो ये है लोधी गार्डन का मेन गेट, और ये यहाँ की पार्किंग, पार्किंग बिल्कुल फ्री है, और कोई और वॉशरूम आपके सामने पड़ जाएगा, वॉशरूम सामने है। तो लोधी गार्डन के बारे में कुछ बता रखा है, टाइमिंग से लेके क्लोज कब होता है ये, इसके बारे में सब बता रखा है, और जितने भी टॉम बना रखे हैं, ये टॉम है सफरिंग टॉम, इसके पास पड़ता है नेहरू मेमोरियल है, राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, पुराना किला हमारी टॉम, ये सारे दे रखे हैं, मतलब जितने भी टॉम है ना दिल्ली में सारे दे रखे हैं, फतेहपुर मस्जिद, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, अजमेर गेट, सब। तो चलते हैं अंदर। जैसे आप एंट्री करोगे फर्स्ट में आपको ये दिखेगा जो टॉम बना रखा है पूरा, अरे बता रखा है, यहाँ पक्षी आपको कितने में दिख जाएंगे, हाथी के दांत हैं, ये बना रखे पक्षी यहाँ मिलते हैं लोधी गार्डन में, देखते हैं कि वहाँ पर है टॉम, वहाँ भी कुछ देर बाद चलते हैं, पहले आपको मैं पूरा जगह दिखाया था। यहाँ पर हमारे जो बैक साइड में पड़ा था वो हर्बल गार्डन था, बस जैसे जो बना रखे हैं उन्होंने छोड़ छोड़ के, वहाँ नाम लिख रखा है उसके बारे में कि कौन सा गार्डन उन्होंने बना रखा है, और ऐसे जाली से पैक कर रखा है कि कोई ख़राब ना कर सके, कोई जा ना सके अंदर। यहाँ चलते हैं पहले, ऐसा कुछ दिखेगा, इसमें पानी पत्ते जमा रखे हैं, पानी है पर इसमें ये बना रखा है, फूल थोड़े बहुत फूल है उधर बना रखे, पर अभी जाना अलाउड नहीं, इधर बंद कर रखा है पूरा, लोटस का जो फूल होता है उधर होता है सामने गुम्बद की साइड में, ये मिल जाएंगे आपको बटरफ्लाई, पूरा बना रखा है, बटरफ्लाई का मतलब जैसे गार्डन बना रखा है पर अभी के लिए बंद कर रखा है। तो गाइस मेन गुम्बद वो है आपकी, तो पहले हम चलते हैं इस साइड में शीश गुम्बद में, जो ये पड़ती है शीश गुम्बद, यहाँ पर कब्र बना रखी है मोहम्मद शाह की, इसके बारे में कुछ दे रखा है, चलते सारी गुम्बद चलते हैं, कब्रें बना रखी हैं बहुत अच्छा कब्र, ये कब्रें बना रखी हैं, आठ कब्रें इधर। ये गेट लग रहा पूरा बंद कर रखा है, ये गेट तो था, देखो कितने लोग आ रखे हैं इधर, भरे पड़े हैं लोग सारे, कोई कोई स्केच कर रहा है, कोई पिकनिक कर रहा है, कोई प्लेइंग कर रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने के सब मिल जाएगा यहाँ पर, खेलने मिलने के लिए, ये देखो बच्चों के लिए सही है। तो गाइस उस साइड से भी आए हम, उस साइड बैक साइड से आए अभी, यहाँ पर फ्रंट साइड से इस साइड गुम्बद है, अभी वहाँ चलेंगे और पहले यहाँ चलते हैं, ये देखो पूरी जगह शानदार है एकदम, लोग ही लोग आ रखे हैं इधर पूरे, और कुछ थोड़ा ऐसा दिखता है दिखने में, अच्छा लग रहा है दिखने में, हाँ देखो सैलेड थोड़ी ना, की बात करी थी मैंने, ये है वो लेक, गंदी बत्तखें भी हैं, बत्तखें भी दिखाता हूँ मैं आपको, एक गुम्बद इधर भी है, अभी इसको भी देख लेते हैं, इसको भी कवर करते हैं। तो ऐसा कुछ झरना टाइप का बना रखा है उन्होंने, जो पानी इस पर से निकल रहा है, कोई तो हो कुछ ना कुछ तो होगा ये, और पानी कम है अभी, इतना पानी है नहीं,
और पूरी काई जम रखी है, पूरी अब देखिए पूरी काई जम रखी है। और पार्क तो बहुत बड़ा है, जहाँ जाओगे उधर ही लोग बैठे हुए हैं। इस गुम्बद में चलते हैं, इस गुम्बद को देखते हैं कि इसका भी कैसा है। तो ये वाला गुम्बद है सिकंदर लोधी का, जो इसके वंश थे। यहाँ कुछ ऐसा बना रखा है, जगह बना रखी है, अभी चलते हैं। यहाँ के पहले की बना रखी है सीढ़ी, और ये देखें ईंटों से बना रखी है, पूरी टूट रखा है, पूरा टूटा पड़ा है मेन द्वार। मतलब अच्छा है, वॉल बना रखी है भाई, पूरी वॉल से कवर कर रखा है। देखो कितना कवर कर रखा है। भूली बटियारी, जो अगर मैं भूली बटियारी दिखाऊंगा आपको, वो भी ऐसी कवर कर रखा है साइड साइड से। आते हो तो आपका टाइम पूरा स्पेंड हो जाएगा, पूरा दिन बिता सकते हो यहाँ पर आकर। आना ज़रूर अगर आपको कहीं टाइम पास करना है, क्योंकि देखो क्योंकि ना न्यू ईयर के बाद तो लोग चाहते हैं कि एक दो दिन कि घूमें, घूमना पसंद करते हैं लोग। तो जगह है अच्छी घूमने लायक, तो आप घूम सकते हो। लोधी गार्डन अच्छी जगह है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टिकट फ्री है और पार्किंग भी फ्री है, आ सकते हो आप। ठीक है, ये बना रखी गुम्बद पूरी, और पूरी वॉल से कवर कर रखा है इस गुम्बद को, पूरा कवर कर रखा है। ये जेल कैदी टाइप का होगा, ऐसे बांध के रखते होंगे कैदी को। हाँ कैदी को अभी ऊपर जाने का बंद कर रखा है, अगर ऊपर जाने का अगर होता तो मैं दिखाता आपको, बंद कर रखा है, लगा रखा है, बंद कर रखा है। शांति है, पीसफुल है एकदम, सही है। आओ इधर टाइम स्पेंड करो, कपल के साथ आओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आओ, या फैमिली साथ आओ। फैमिली साथ आओगे पिकनिक कर सकते हो आप, खाना वाना खाओ आराम से बैठ। इसके अंदर जाने का बंद कर रखा है, अभी जा नहीं सकते लोग, पूरा गैप बना रखा है। ऊपर से बिजली आई है ना, कितना गैप है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ से होते चलेंगे, वहाँ से होते हुए पूरा ब्रिज से होते हुए फिर दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ का भी, अगर वहाँ दिख सके तो। ठीक है, देखो तो गाइस डंबल देखो, ये रहा डंबल, मारूंगा कैसे इसमें, ऐसे डंबल मारना पड़ेगा, ये उठाकर ये टेढ़ा रख रखा है डंबल को पूरा। ठीक है, पार्क कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना पार्क। तो हम दूसरे गेट पर आ गए हैं सिकंदर लोधी टॉम्ब के साइड का गेट, अरे चलते फिर यहाँ से भी। ये ब्रिज बना रखा है, तो ये है कुछ ऊपर से लेक का नजारा पूरा, हरियाली बहुत है, बहुत ज़्यादा हरियाली है बहुत। हाँ पेड़ पौधे हर जगह है, हर जगह के पौधे, हर जगह पेड़ है, हर टाइप के पेड़ हर जगह। तो ये केज बना रखा है बत्तखों का, कितना अच्छा बना रखा है। और चलने के लिए कुछ ऐसे बना रखे हैं जो एकदम अच्छे लग रहे हैं, एकदम यूनिक लग रहा है पूरा, यूनिक सा। और देखो टेबल, टेबल देखो पूरे टेबल, हाँ। तो एक इधर बना रखा गार्डन फूलों का, इस लास्ट हमारा ये रह रहा है। ये गुम्बद दिखाता हूँ आपको, और जिसकी मेन गुम्बद है ये दिखाता हूँ आपको, चलते हैं फिर। यहाँ देखते हैं सीढ़ी जा बना रखी है, सीढ़ी बंद कर रखी है, पर अभी ऊपर जाने का सब बंद कर रखा है। और यहाँ देखते हैं ऐसा कुछ बना रखा है, और ये किसी कमरा ही होगा, ये देखो वो बन रखी है अलमारी टाइप की सामान रखने के लिए, और ये होगा तो तीन दिया लगाते हैं चलाने के लिए, वो है ये, और ये होगा बाहर का रास्ता है। बड़ा गुंबद लोधी वंश के राज्यकाल का, 1451 से लेके 1526 तक के। अब रहा ये पर चढ़ नहीं सकते, इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि इस पर चढ़ नहीं सकते, पर तब भी लोग चढ़ते हैं, समझते नहीं बात को, इसके बारे में दे रखा है, बता रखा है। और चले दे
आप स्केच करते हो? अच्छा तो आप सिंगर में सिंगर है? अभी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1 2 3 छलके तेरी हाय, छलके तेरी आँखों से शराब आ दिया, छलके तेरी आँखों से शराब आ दिया, खेलते रहे हो गांव के गुलाब आ दिया। तो गाइस फील करो कितना अच्छा लग रहा है, गुंबद में आवाज़ गूंज रही है और सराउंड हो रही पूरी आवाज़, और कितना अच्छा लग रहा है आवाज़ इनका जो ये गा रहे हैं, जिस उसमें गा रहे हैं सुर में, पूरे हॉल में आवाज़ गूंज रही है। मस्त है दिले खाना खराब आ दिया, छलके जो ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपके लिए कांटों की शेष तैयार रखा, यानी तलवारें तैयार है। दो सुना, एक सेकंड, मैं आपके लिए कांटों की शेष तैयार रखा हूँ, आप खून लेकर आना, आप खून लेकर आना। मैंने कहा जरा ठहरो, दामन तो संभाल ले दो, जरा ठहरो दामन तो संभाल ले दो, मैं पूरे का पूरा दिल लाता। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। वहाँ सब तलवारें लेके बैठे हुए हैं, तो कांटों के ये तो हो गए, वहाँ जो कांटे हैं वो तलवारों के रूप में। तो शायर का मतलब ये होता है कि जबी के जबी शेर पढ़ना है, किसी की तारीफ करना, और तारीफ करना ही सबसे बड़ी कविता है। आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते, ये जनरल से बदतर है। आवाज़ सुनिए आपकी, इनकी शायरी सुनिए, बहुत कमाल है। मतलब वीडियो में देखना अलग बात होती है, और जो फेस टू फेस फील होता है उसका अलग ही मज़ा है। उनकी आवाज़ है बहुत अच्छी है, आवाज़ जो पूरे गुम्बद में गूंज रही, आवाज़ एक नंबर आवाज़ है, एक नंबर आवाज़। और ये पता नहीं गाइस क्या बना रखा है, ढक ही रखा है पूरा, उसको उसके साइड का ऐसा हो रखा कुछ। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना कहीं मत जाना। यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, क्योंकि ये फैमिली प्लेस भी है, कपल प्लेस भी है, पिकनिक कर सकते हो, खाने वाने का सारा सामान यहाँ ला सकते हो, और पेट घुमाने के लिए भी है ये जगह, तो सही है, आप आ सकते हो। तो इसके मेट्रो स्टेशन नियर बाय मेट्रो स्टेशन है जोरबाग मेट्रो स्टेशन, और बस से भी आ सकते हो आप। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय और टेक केयर, और आओ मजा लो इस जगह का। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।